हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, मंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात में थे। कार्यक्रम का नाम था इन्वेस्टर समिट, जिसमें बड़े बड़े लोग, बिजनेस लीडर्स सब शामिल थे। लेकिन बात हुई पुरानी कार पर और ऑफर दिया गया बिल्कुल नया। दरअसल ये नई स्क्रैप पॉलिसी है। सुनने में आपको लगेगा कि ये क्या है, इसलिए हमने आपको ये पॉलिसी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी कार है तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए, या अगर आप नई कार खरीदने वाले हैं तो भी जरूर देखिए। एक कबाड़ वाली कार आपका कितना मुनाफा कर सकती है, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। जिस गाड़ी को आप कबाड़ कहते होंगे, उस कबाड़ की कीमत क्या है, ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि नई स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये बात खुद प्रधानमंत्री ने समझाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और अहम कदम है। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर आपके पास कार है या आप किसी भी तरीके से व्हीकल रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो इस पॉलिसी का सीधा असर आप पर जरूर पड़ेगा। सबसे पहले जानिए कि आखिर स्क्रैप पॉलिसी है क्या। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिया जाएगा। कॉमर्शियल गाड़ियां जहां 15 साल बाद स्क्रैप घोषित होंगी, तो वहीं निजी कार को 20 साल का वक्त दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी गाड़ी तो अच्छी खासी चलती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो भला ऐसे में कैसे उसको कबाड़ बना दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि सिर्फ गाड़ी की उम्र से फैसला नहीं लिया जाएगा, बल्कि हर गाड़ी का टेस्ट भी होगा। देश भर में करीब 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। ये टेस्टिंग ऑटोमेटिक तरीके से होगी। जो गाड़ी टेस्ट में फेल होगी उसको स्क्रैप करार दिया जाएगा। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रीसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि इस पॉलिसी से किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आम जनता से लेकर सरकार तक हर किसी का फायदा ही फायदा है। सबसे पहले समझिए, अगर आप स्क्रैप पॉलिसी के तहत अपनी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो आपका क्या फायदा होगा। स्क्रैप पॉलिसी से सीधे तौर पर चार फायदे होंगे।
पहला फायदा, अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर नई कार का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा। नई कार लेने पर 5% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा रोड टैक्स पर भी छूट दी जाएगी। दूसरा फायदा, पुरानी कार चलाने पर एक व्यक्ति को हर साल 30,000 से 40,000 और ट्रक मालिक को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान होता है। स्क्रैप करने पर यह नुकसान बचेगा। तीसरा फायदा, पुरानी गाड़ियों में सुरक्षा की पुरानी तकनीक होती है जिनका अब फायदा नहीं मिलता है। चौथा फायदा, स्क्रैपिंग पॉलिसी से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। मोदी सरकार जो भी फैसले ले रही है, जो भी पॉलिसी लॉन्च कर रही है, उनका इंपैक्ट 5 से 10 साल नहीं होगा, बल्कि सरकार अगले 25 साल के हिसाब से खास तैयारी कर रही है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, होंगे ही। जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी इकोनॉमी, दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे पर्यावरण, हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारे रॉ मटेरियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भारत में जो स्क्रैपिंग अब तक होती थी वो प्रोडक्टिव नहीं थी। अभी तक स्क्रैप स्टील और मेटल रिकवरी नहीं हो पाती थी। नतीजा, पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील विदेश से इंपोर्ट करना पड़ा। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना है तो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुद को सबसे मजबूत करना होगा। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.50 लाख करोड़ रुपए का है, जिससे 3.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इस सेक्टर से सालाना 3.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी काफी वक्त से स्क्रैपिंग पॉलिसी पर काम कर रहे थे। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में करीब 1 करोड़ ऐसी गाड़ियां थी जो बिना वैलिड फिटनेस के साथ, फिटनेस के बिना चल रही थी। उसके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा था और फ्यूल में भी काफी खर्चा हो रहा था, क्योंकि उसमें फ्यूल इफिशिएंसी नहीं थी और सेफ्टी के दृष्टि से भी अपने नॉर्म्स वो पूरी नहीं कर रही थी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत उसी विचारों से हुई है। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12% अधिक पर्यावरण को निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते, क्योंकि इसका जो पुराने वाहनों का जो प्रदूषण प्रमाण है वो 10 से 12 गुना अधिक है। और रोड सेफ्टी के लिए वो एक जोखिम के रूप में हमारे सामने है। निश्चित रूप से पुराने वाहनों को लेकर एक समस्या भी है। काफी रिसर्च के बाद स्क्रैपेज पॉलिसी को तैयार किया गया है, क्योंकि पुराने वाहनों से रोड दुर्घटनाएं काफी होती हैं और प्रदूषण भी कंट्रोल के बाहर था। देश में 51 लाख हल्के मोटर वाहन है जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। 34 लाख ऐसे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। लगभग 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चल रहे हैं। देश में पुराने अप्रोच को तेजी से बदला जा रहा है। 25 साल के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। स्क्रैपेज पॉलिसी वक्त की मांग है, जिसको लागू करना जरूरी है, क्योंकि इसका असर हर सेक्टर पर खासा पड़ेगा। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत
क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है। और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है। स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है, जिससे 35,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जाएगा। स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां आएंगी। नए वाहनों की सेल से सरकार को जीएसटी के तौर पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। इससे देश में रोड सेफ्टी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। स्क्रैपिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए देश के बाहर देखना होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड से इसको जानना होगा, क्योंकि स्क्रैपेज करोड़ों डॉलर की मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है। साल 2008 में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 18 देशों ने स्क्रैपेज पॉलिसी को अपनाया था। अमेरिका ने 2009 में $3 बिलियन की कैश फॉर क्लंकर पॉलिसी लॉन्च की। 2009 में ही अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा कार और ट्रक की बिक्री हुई। जर्मनी ने भी साल 2009 में $5 बिलियन की स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की और उसी साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में 71% मुनाफा हुआ। 2009 में ब्रिटेन ने 10 साल पुरानी 3,00,000 गाड़ियों को हटाया था। नई कार खरीदने पर £1,000 की सहायता भी दी थी। कनाडा ने रिट्राइज योर राइड स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत 1.20 लाख पुरानी गाड़ियां हटाई गईं और नई गाड़ियां खरीदने में ऑफर का ऐलान किया। स्क्रैपिंग पॉलिसी के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पॉलिसी है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर नजर आएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।